नाने उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती। भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। अब्दुल शमीम अब्दुल्ला की जानिब से गैस सिलेंडर तकसीम। पहली मुस्लिम टीचर फातिमा शेख की सालगिरह के मौके पर आज बल्दिया उज़्मा के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और जोन नंबर 13 के कारपोरेटर अब्दुल शमीम अब्दुल्ला की जानिब से गरीब लोगों में अब्दुल नईम अब्दुल्ला के हाथों गैस सिलेंडर की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर अब्दुल नईम अब्दुल्ला ने कहा कि अब्दुल शमीम अब्दुल्ला की जानिब से गुज़िश्ता माह गरीब लोगों में मुफ्त चश्मे तकसीम किए गए थे। इन्होंने कहा कि गरीबों की मदद के लिए फलाह व बहबूद के काम किए जाते हैं। इस मौके पर माजिद भाई बेकरी वाले, मोहम्मद गौस भाई, शेख पाशा भाई, मोहम्मद मुबीन वो दीगर मौजूद थे। आज शमीम अब्दुल्ला साहब के घर के ऑफिस पर गैस वाटअप का कार्यक्रम था। हमारे हक्कर साहब, हमारे माजिद भाई, मैं खुद नईम अब्दुल्ला, इन सबको आज 8 सिलेंडर वाटअप किए हैं। और शमीम अब्दुल्ला बाहर गाँव जाने की वजह से इसके बाद और इससे ज़्यादा वाटअप करने की हमारी उम्मीद है। ऐसे प्रोग्राम आप और लेते रहेंगे क्या? हमारे पास ऐसे प्रोग्राम हमेशा ही चलते रहते, गरीब लोगों के लिए हर चीज़ के प्रोग्राम हमारे पास कंटिन्यू पर महीना 15 दिन 8 दिन महीना चालू ही रहता है। ये काम हमारे पास हर महीने को कोई ना कोई ऐसी गरीब लोगों के लिए काम चालू रहता है। इससे पहले एक महीना पहले चश्मे का वाटअप का काम हुआ हमारे पास। अब अगले महीने इंशाल्लाह और इससे बड़ा कुछ कार्यक्रम करेंगे हम। महिला टीचर और राष्ट्रमाता फातिमा शेख के आज जन्मदिन के ऊपर आज हमारे शमीम भाई अब्दुल्ला माजी सभापति स्टैंडिंग कमेटी देखिए अपने महानगर पालिका के ऑफिस पर आज गैस वाटअप का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और बहुत से लोगों को यहाँ से आज गैस का वाटअप किया गया है इसमें। और हर महीने यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम चालू रहते हैं और काफ़ी गरीब लोग इससे फ़ायदा भी उठाते हैं। और हमारे नईम भाई और हमारे हटकर साहब नगर सेवक आज इनके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे जो सो आज ये कार्यक्रम रखा गया है तो इसमें बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है और बहुत से लोगों को हमने गैस का कनेक्शन वगैरह उनको सिलेंडर्स वगैरह दिए हैं आज। तो इंशाल्लाह और आगे भी और इससे ज़्यादा और देने की इंशाल्लाह कोशिश जारी रहेंगी। और अभी जिस किसी को भी अगर गैस कनेक्शन चाहिए वो हमारे यहाँ पर शमीम भाई के ऑफिस पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे संपर्क करें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देकर, हमारे हौज भाई है, हौज भाई वो पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और नईम भाई भी आपको जो पूरा सहकार्य करके आपका इंशाल्लाह जो गैस कनेक्शन का जो उसका प्रक्रिया पूरी करेंगे। आज शमीम भाई अब्दुल्ला इनके निवास स्थान पे, इनके संपर्क कार्यालय पे भारताच्या प्रथम मुस्लिम शिक्षिका राष्ट्रमाता फातिमा शेख इनके जन्म अवसर पर शमीम भाई इनके कार्यालय पे आज गैस वाटअप का कार्यक्रम रखे वाला था और हमारे बाबा गैस एजेंसी की तरफ से सब भाइयों को शमीम भाई इनके कार्यालय के नईम भाई, गौस भाई, इनके माजिद भाई, इनके उपलक्ष में शमीम भाई आज महापालिका के दौरे पे जाने के वजह से नईम भाई ने अच्छा सा कार्यक्रम रखे। फातिमा शेख राष्ट्रमाता इनके जन्म अवसर पर आज सिलेंडर वाटअप करे वाले हैं। अब हमार को अच्छा लगता है कि आज फातिमा शेख इनके जयंती के अवसर पर इतना अच्छा कार्यक्रम रखे, सब महिलाओं को आज सिलेंडर वाटरअप का कार्यक्रम रखे उन्होंने, मैं शुभकामना देता हूं। और 26 जनवरी के दिन, प्रजासत्ताक दिन के दिन और ज़्यादा सिलेंडर वाटरअप का कार्यक्रम शमीम भाई रखेंगे। हम उनको बाबा गैस एजेंसी की तरफ से बहुत सारा माहिती देंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर उपलब्ध करके देके सहयोग करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर देने का काम हम करेंगे और 26 जनवरी के दिन उससे करेंगे ऐसी मैं बात करता हूँ।
गैस वाटअप का कार्यक्रम रखा गया था और हमने 8 गैस वाटअप किए हैं और ज़्यादा करने की इच्छा है। तमाम लोगों से गुजारिश है, हमारे वार्ड नंबर 13 पूरे प्रभाग के लोगों से गुजारिश है कि शमीम भाई के ऑफिस पर आकर अपने कागज़ लाइए और अपना गैस का नाम चेक कराइए और प्रभाग नंबर 13 के अलावा नांदेड़ के कांस के भी लोग आकर यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऑफिस सबके लिए खुला है, वार्ड नंबर 13 शमीम अब्दुल्ला के जानिब से। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर बोर्ड देगलू नाका नांदेड़। नाने उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।